اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. मैं शबाब फेल हमने सीखे थे और आज उनकी कुछ कवायद हैं जो देखेंगे, फिर हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। लेक्चर नंबर 38, टॉपिक नेम हरफ़ मुशब्बा बिल फ़ेल के कवायद। सबसे पहले कायदा ये है कि ये जो हरूफ हमने सीखे थे इन्ना व अन्ना का अन्ना लैता लकिन्ना लअल्ला, ये सब इसम से पहले आते हैं, फ़ेल से पहले नहीं आते, ये इसम से पहले आते हैं। और फेल से पहले अगर हम इनको लाएंगे भी तो वो लाना दुरुस्त नहीं होगा, वो जुमला सही सेंटेंस के हिसाब से यानी ग्रामर के हिसाब से वो जुमला बिल्कुल ठीक नहीं होगा। दूसरा इसका कायदा ये है कि इनका अक्सर इस्तेमाल ज़मीर मुत्तसिल के साथ होता है, जो ज़मायर मुत्तसिल हम पढ़ के आए हैं जिससे जैसे शॉर्ट फॉर्म है हु हा का कुमा कुम, जैसे हुआ हुमा हुम तो मुनफसिल है ना, अलग अलग इस्तेमाल होते हैं। ज़मीरों की दो किस्में पढ़ी हैं आपने, मुत्तसिल और मुनफसिल। जो साथ जुड़ी हुई होती हैं वो मुत्तसिल हैं, जो अलग से हैं वो मुनफसिल हैं। और हमने ये पढ़ा था कि मुनफसिल इसम से पहले आती है, मुत्तसिल इसम से इसम के बाद आती है। तो इन्ना व अन्ना करना यानी हरफ मुशब्बा बिल फ़ेल, सबसे पहला कायदा कि इसम से पहले आते हैं, दूसरा कायदा कि ये ज़मीर मुत्तसिला के साथ इनका अक्सर इस्तेमाल होता है। और बाएं जो ज़मीर मुनफसिला है इनके साथ इनका इतना इस्तेमाल नहीं होता। इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसा कि आपके पास एक मिसाल है इन्नहु गफूरुल, इन्ना के साथ हु आया है, इन्ना हु, इन्ना बेशक हु वो यानी अल्लाह की तरफ, हु जो है ना ये ज़मीर जा रही है, गफूरुन बहुत बख्शने वाला है। तो इसको हम ऐसे नहीं पढ़ सकते इन्ना हुआ गफूरुन, ठीक है। ये जो नीचे जुमला आप देख रहे हैं ये ठीक है, इसको थोड़ा देखते, लेकिन अभी ये देखें कि अभी हम सीख रहे हैं कि जो साथ हु लगा है ये अलग से हु नहीं आएगा, इन्ना हुआ गफूरुन नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इन्ना हु गफूरुन, इन्ना के साथ हुआ की शॉर्ट फॉर्म आ जाएगी। अब जो नीचे दूसरा जुमला है इसमें भी तो हुआ आ रहा, लेकिन ये भी दुरुस्त है, तो आप देख रहे होंगे कि ये हुआ हसर के लिए आया है, ये दरअसल है इन्ना हु हुवल गफूर, जो हु प्रोनाउन के लिए था वो इन्ना के साथ लग गया है, लेकिन जो हुआ अलग से है वो हसर पैदा करने के लिए, ताकीद पैदा करने के लिए आया है। ये वो वाला हु नहीं जो कि जिसका मर्जा पीछे मौजूद हो या फिर लौट के जा रहा हो। तो क्या इससे पता चलता है कि हरफ मुशब्बा फ़ेल के साथ ज़मायर मुत्तसिला का इस्तेमाल होता है, साथ जुड़ी हुई आती हैं। अब देखिए दूसरा जो जुमला आपके पास है वो है इन्ना का अखी, दरअसल ये था इन्ना अंत अखी, इन्ना बेशक अंता तू अखी मेरा भाई है, लेकिन अंता की शॉर्ट फॉर्म थी का, तो का को इन्ना के साथ मिला दिया क्योंकि रूल के मुताबिक मुत्तसिला इस्तेमाल होगा। तो इन्ना का अखी, इन्ना का अंता यानी इन्ना अंता अखी कहना दुरुस्त नहीं है। कुरान में आपको बहुत से आयात मिलेंगी, जैसे एक आयत है इन्ना का मस्जिदुन व इन्नहुम मस्जिदुन, तो देखें
इन्ना के साथ भी का मुतसिला लगी और इन्ना के साथ भी हुम लगी, जमीर मुतसिला। फिर एक और जो है सेंटेंस है, जैसे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम वालों को कहा था कि मैं थोड़ी मेरी तबीयत नासाज है, उन्होंने कहा इन्नी सकीमुन, बेशक मैं बीमार हूँ। उन्होंने इस तरह नहीं कहा था इन्ना अना सकीमुन, तो आना की शॉर्ट फॉर्म क्या थी, या, तो वो इन्ना के साथ लगी तो बन गया इन्नी सकीमुन, बेशक मैं बीमार हूँ। इसको गौर से देखना है, लास्ट पे जो एक्सरसाइज होगी उसमें इस तरह के सेंटेंस होंगे जो आपको करेक्ट करने होंगे। तो बस इस चीज़ का ख्याल रखें कि ज़मायर जो इसमें यूज़ होंगे वो मुनफसिल नहीं होंगे, मुत्तसिल होंगे, दोनों असूल याद रखने हैं। इसके अलावा इसके कुछ मज़ीद नोट्स हैं और अहम बातें हैं जो आप नोट कर लें। सबसे पहले कि हमने अभी पढ़ा था कि कुछ दिन पहले लाम और जो इन्ना है उन दोनों का मतलब एक होता है, यकीनन यकीनन बेशक, दोनों ताकीद के लिए इस्तेमाल होते हैं। और ये भी पढ़ा था कि जो इन्ना है ये मुब्तदा से पहले आता है और लाम खबर से पहले इस्तेमाल होता है, बस इन दोनों में ये फ़र्क था, बाकी इनके मीनिंग्स दोनों के सेम थे। लाम ज़बर ला और इन्ना लाम ज़बर वाला। बाज़ुकात ऐसा होता है कि ये लाम ज़बर वाला किसी ज़मीर से पहले आ रहा होता है तो वहाँ पे उसका मीनिंग यकीनन नहीं होता, ये चीज़ काबिले गौर है। ज़मायर से पहले जो लाम इस्तेमाल होता है, जैसे लहू लहुम लकुमा लकुम, इस तरह से कुरान में बहुत ज़्यादा इसकी आप तकरार देखेंगे, तो आप वहीं पर उसका मीनिंग यकीनन करेंगे, यकीनन तुम, तो यकीनन वहाँ पर उसका मीनिंग नहीं होगा। दरअसल वो लाम जो ज़बर वाला है वो लाम ज़बर वाला नहीं था, हकीकत में वो लाम ज़ेर ली था, लाम ज़ेर ली हरफ़ जार वाला, ली ली जो है ना वो हरूफ जारा में से है, तो ये इसका मतलब होता है के लिए। तो ये जो ज़मायर के साथ लाम लगा होता है वो लाम यकीनन वाला नहीं होता, वो लाम हरफ जारा वाला होता है, लेकिन उस पर तो नीचे ज़ेर है तो हम तो ज़बर लगा रहे हैं। तो अरबी ज़ुबान में ऐसा होता है कि जब कोई लफ्ज़ पढ़ने में दुश्वार हो तो उसकी हरकत बदल दी जाती है या फिर उसके कुछ वर्ड हज़फ कर दिए जाते हैं, जो चीज़ें ज़ुबान पर भारी महसूस होती हैं। ये अरबी ज़ुबान की फसाहत है कि वो रवानी और अदायगी में जब अच्छे तरीके से चीज़ें अदा नहीं हो रही होती तो वो उनको थोड़ा सा चेंज कर देता है। तो लिहू लिहू कहना लिहुम एक अच्छी तरह से इसकी अदायगी नहीं हो रही, लिहू लिहिमा लिहिम लिकी लिकीमा लिकुमा लिकुम, इस तरह से अदायगी अच्छी नहीं हो रही थी, इस वजह से उन्होंने उस लाम को ज़बर दे दी। तो अब उन वर्ड्स को हम क्या पढ़ते हैं, लहू लहुमा लहुम लक लकुमा लकुम लकी, इसी तरह लकी भी। तो दरअसल ये जो लाम ज़मायर के साथ लगा हुआ है ये कौन सा लाम है, हरूफ जारा वाला। और एक के ऊपर ज़बर क्यों आई पूछ सकता है कोई, दरअसल ये हकीकत में ली था, ला क्यों हुआ, क्योंकि पढ़ने में अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, बोझल था, ज़ुबान पर भारी था, इस वजह से इसके ऊपर ज़बर लगा दी गई। तो अब इसका मीनिंग हम के लिए ही करेंगे। एक और चीज़ यहाँ पे काबिले गौर है, ये बॉक्स पे आप देख सकते हैं, ये कायदा लिखें, लेकिन वाहद मुतकलीम के साथ यानी वाहद मुतकलम की ज़मीर मुतसला या होती है तो उसमें हम लाम को लाम ज़बर नहीं करेंगे, लाम ज़ेर ली ही रहने देंगे, क्योंकि वहाँ पे ली पढ़ना ज़्यादा आसान है, लई नहीं पढ़ सकते, लाम ज़बर या लई तो वो मुश्किल है, इसलिए उसमें यानी जब हमने या लगानी होगी तो ली पढ़ेंगे, लाम के नीचे ज़ेर ही रहने देंगे। इसकी एग्जाम्पल्स हैं कुछ, उसको देखिए फिर आपको अच्छी समझ आएगी। जैसे है इन्नी लकमिनन नासिहीन, तो इसमें जो लाम काफ के साथ लाम लगी है
दरअसल लीका था, इन्नी लीका मिनन नासहीन, पढ़ने में अच्छा नहीं फील हो रहा था इसलिए लाम को दी जेर। इसका यहाँ पे मतलब के लिए है, यानी यकीनन मैं तुम्हारे लिए, असल में था यकीनन मैं तुम्हारे लिए खैर खाहों में से हूँ, तो लाका के लिए, तुम्हारे लिए। इसी तरह लना, ला के लिए, ना हमारे, हमारे लिए हमारे आमाल, वलकुम आमालुकुम, तुम्हारे लिए तुम्हारे आमाल है। थर्ड एग्जांपल देखिए, ली, इसमें हमने लाम को जबर नहीं दी बवजह याए मुतकल्लिम के, जो या मुतकल्लिम के साथ लगी है, इस वजह से हमने इस कायदे को यहाँ पे तोड़ा। इसमें हम लईम पढ़ते तो अच्छा नहीं लग, भारी महसूस होना था, इसलिए यहाँ पे लाम के नीचे जेर ही रहने दी और या को लगाया, तो बना ली, ली अमली वालाकुम आमालुकुम, मेरे लिए मेरे अमल और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमल हैं। ठीक है, तो हरूफ मुशबबिल फेल के को वाइंड अप करते हैं। उसका सबसे पहले जो हमने सीखा था, ये 6 हरूफ होते हैं, ये मुब्तदा से पहले आते हैं। मुब्तदा को, इसको सबको ध्यान से सुनना है, क्योंकि अभी आपकी जो एक्सरसाइज है वो ओवरऑल जितना भी इसका सीख है उसमें से होगा। इन्ना व अन्ना का अन्ना, लैता लकिन्ना लअल्ला के बाद जो इसम होता है वो रफी हालत में नहीं होता, उसकी हालत यानी वो नस्बी हालत में होता है, और नस्बी हालत राबिल हरकत के साथ भी और राबिल हरफ के साथ, दोनों जहन में रखिएगा। फिर इसकी जो मजीद इसको सीखा, और उसमें ये सीखा हमने कि ये इसम से पहले आते हैं और इनके साथ ज़मीर मुत्तसिल इस्तेमाल होती है, और फिर इसी तरह लाम और इन्ना में फ़र्क। तो ये कुछ सेंटेंस हैं, ये करेक्ट नहीं है, इनको करेक्ट करना है। सबसे पहला जुमला देखें, इन अंता सादिकुन, इसको ठीक करें। इसमें क्या मिस्टेक है जो हमारे, जो हमने कवायद सीखे हैं उसके मुताबिक इसमें क्या करेक्शन हो सकती है, इसको कीजिए जी। इन्नका सादिकुन, बिल्कुल, अंता की शॉर्ट फॉर्म क्या है, काफ जबर वाला, इन्नका सादिकुन। सेकंड वाला सेंटेंस कीजिए, ला अल्ला हुआ मरीजुन, ला अल्ला हुआ मरीजुन, जी ला अल्लहु मरीजुन, हुआ की शॉर्ट फॉर्म हो। नेक्स्ट सेंटेंस, इन्नल अरबियतु सहलतुन, ये अरबियतु है ता के ऊपर पेश है, इन्नल अरबियतु सहलतुन, ता की बजाई हो आएगा। अच्छा, अगेन देखें, इसको थोड़ा सा गौर करें, मैंने कहा था पूरा टॉपिक जहन में रखना है, आज नहीं, जो जितना भी पढ़ा है रुपए मुशबा बिल फेल का। जी जी बिल्कुल, ता के ऊपर जबर आएगी, नस्बी हालत है, वेरी गुड। इन्नल अरबियता सहलतुन। नेक्स्ट है, लिहुम अदाबुन शदीद, जी सेंटेंस नंबर 4, लिहुम अदाबुन शदीद, लाम के ऊपर जबर आ जाएगी, बिल्कुल, लहुम अदाबुन शदीद। इन्नल मुमिनून फिल जन्नति व इन्नल काफिरून फिल नार, इसको ठीक करें, इसमें क्या मिस्टेक्स हैं। इन्नल मुमिनीन, क्योंकि इन्ना हरफ मुशबा बिल फेल की वजह से मुमिनून की हालत रफ़ी से नस्बी हो जाएगी, तो मुमिनून रफ़ी हालत है, ये एराब बिल हरफ में से है, हरकत में से नहीं। एराब की भी दो किस्में है ना, एक हरफ के साथ चेंज होता है और एक हरकत के साथ, तो ये मुमिनून की बजाय
मोमिनीन इसकी रफी हालत से नस्बी में, और काफिरून की बजाय काफिरीन। इन्नल मोमिनीन फिल जन्नति व इन्नल काफिरीन फिल नार। जी अब आपके मोरब और मबनी स्टार्ट होंगे इंशाल्लाह, तो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसमें थोड़ा सा उसका पस मंज़र हम अगर देख लें कि उसमें ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें एराब के ऊपर कुछ भी यानी जब तब्दील नहीं होते, चाहे हरफ जार आ जाए या फिर हरफ मशबाबिल फेल भी आ जाए, तो वो उनकी हरकतें उनका एराब नहीं चेंज होता। वो कौन